हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज हमने मंगाया है ये माओनो का लेवियस्टर AU400 माइक, जिसकी हम आज अनबॉक्सिंग करने वाले हैं आपके सामने। चलो अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी। अभी ये पैकेज आया है अमेज़ॉन से, आप देख सकते हैं। तो चलो इसे खोलते हैं। इसकी प्री सील पैक होती है। तो आप देख सकते हैं इसमें ये एक माइक्रोफोन का बॉक्स है, ये छोटा सा है, और ये रहा इसका इनवॉइस। तो आप देख सकते हैं गाइस, जो ओरल ये जो माइक्रोफोन होता है 400 रुपये में, 350 रुपये में होता है अमेज़ॉन पर, बट हमने इसे देखो आप 295 रुपये में मंगाया है। ये हमें ऑफ़र में गिरा था तो हमने इसे मंगाया। तो चलो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। वैसे तो इसकी मैं वीडियो बनाया था, तो इसमें समझो ऐसी है कि इसकी पूरा सील नहीं आया है, ये इसकी पैकिंग इस तरह ही होती है। तो ये इस तरह अंदर से इसकी पैकिंग होती है। ये पाउच हमें मिलता है माइक के साथ, दिस इज़ माओनो। बहुत सारे लोग इसे माओनो बोलते हैं, कोई मानो बोलते हैं। तो आप देखो इसे हम साइड में रख देंगे, इसमें कुछ नहीं है। बहुत स्टिकी है, हाथ कुछ पकड़ा है। इसके अंदर हमें एक यूज़र गाइड मिलता है ये, और ये कुछ QR कोड दिए गए यहाँ पर, QR कोड और कुछ हेल्पलाइन के लिए दिया गया है, यू कैन सी। इसमें भी अभी कुछ नहीं है, इसे साइड में रखेंगे। तो हम इसे अभी ओपन करेंगे इस पाउच को। पाउच की क्वालिटी भी गाइस बहुत अच्छी है, अभी देख सकते हैं इसके अंदर माइक है। हम इसे बाहर निकालेंगे, इस तरह पैक होकर आया है ये। और भी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लग रही है। एक कॉर्ड है जो हमें कैमरा के लिए, एक्सटर्नल कैमरा के लिए, या फिर किसी और चीज़ के लिए, लैपटॉप के लिए, पीसी के लिए हमें ऐड कर सकते हैं इसे। अगर ये 3.5 mm अगर काम नहीं करेगी तो उसकी जगह पर हम ये लगा सकते हैं। कितना ही है इसके अंदर, ये दो क्लिप दिए गए हैं, क्लिप यानी हमारी कॉलर को लगाकर माओनो का माइक जो है, तो हम इसे लगा सकते हैं यहाँ पर, अटैच कर सकते हैं। एक मिनट में अभी मैं बताता हूँ आपको। तो इस तरह हम इसे ऐसा लगा कर कहाँ पर भी ऐसा टैप कर सकते हैं, ऐसे बिठा सकते हैं, इसे साइड में रखेंगे। इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी लग रही है, मेटल के ये दो। इसे अभी हम ओपन करेंगे। दिस इज गाइस बेस्ट माइक फॉर कंटेंट क्रिएटर। कंटेंट क्रिएटर के लिए बहुत बढ़िया माइक है। इनिशियली अगर आप स्टार्ट कर रहे हो कम बजट में तो बहुत बढ़िया माइक है। इसका हमेशा कंपैरिजन होता है बोया का जो माइक होता है 850 या 800 रुपये का, उससे इसका हमेशा कंपैरिजन किया जाता है। तो ये माइक आजकल यानी मोटो ब्लॉगर और कोई भी ब्लॉगर या फिर कंटेंट क्रिएटर जो भी होते हैं, रील्स बनाते हैं, वो सारे लोग यूज़ कर रहे हैं। तो आप भी इसे यूज़ कर सकते हैं। हम इसका भी आउटडोर टेस्ट करेंगे किस तरह इसकी माइक क्वालिटी आती है, हम इसको चेक करेंगे। तो चलो चेक करते हैं। तो गाइस हम अभी आ गए परभनी की यूनिवर्सिटी में, आप देख सकते हैं हमारे पीछे का व्यू। तो अभी मेरे हाथ में माओनो का माइक, जो हमारे इसकी अभी टेस्टिंग करने वाले, आउटडोर टेस्टिंग। तो चलो टेस्टिंग करते हैं। इस समय देता हूँ, तो अभी आप देख सकते हैं मेरे हाथ में माइक, इसका इतना लंबा वायर है, तो हाथ इतना। इस पर जो मैंने अभी बताया आपको क्लिप भी आते हैं, तो हम इस क्लिप को यहाँ अटैच करेंगे इस तरह। और आओ इसकी आवाज़ सुनेंगे आप। तो अभी आप जो मेरी आवाज़ सुन रहे हो ये इस माइक से आ रही है, माओनो का माइक। आप इसकी क्वालिटी चेक कर सकते हो। तो ये मोनोटोनस माइक है, जो मतलब पूरी आवाज़ को जमा करता है, जो आजू बाजू की जो वॉइस होती है ना उसे जमा कर कर एक साथ आपको देता है, तो उस तरह इसकी क्वालिटी है। तो अभी आउटडोर को यानी अच्छे से नॉइस कंसोलेशन भी करता है। तो अभी इसकी क्वालिटी सुन रहे होगे आप। तो यही था माओनो का माइक। तो ये इसका रिव्यू था गाइस। तो रिव्यू आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।